भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच, मुखर मार्गदर्शन तथा कुशल नेतृत्व में वाराणसी का चहुंमुखी विकास उदयमान हो रहा है। वाराणसी और निकट के क्षेत्रों को रुपए 12,600 करोड़ से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उपहार मिलने जा रहा है। वाराणसी में यातायात को सुगम बनाने के लिए रुपए 325 करोड़ की लागत से शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग और इनके दो रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे आवागमन में ईंधन और समय की बचत होने के साथ ही शहर के दक्षिणी क्षेत्रवासियों को विशेष लाभ होगा। रुपए 319 करोड़ की लागत से बैतालपुर देवरिया में पेट्रोलियम सुविधाओं का विस्तारीकरण होगा। अलईपुर में रुपए 68 करोड़ की लागत से निर्मित 132 किलोवाट के सब स्टेशन से वाराणसी में उत्तरी एवं दक्षिणी विधानसभा में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखने में सहयोग मिलेगा। रुपए 40 करोड़ की लागत से 20 शहरी एवं ग्रामीण अंचल के आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यात्रा सुगम होगी तथा वाराणसी पुलिस को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु रुपए 18 करोड़ की लागत से PAC मुल्लनपुर तथा पुलिस लाइन में मल्टी स्टोरी बैरक का लोकार्पण किया जा रहा है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट अतिथियों के बड़े विमानों के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रुपए 16 करोड़ की लागत से लिंक टैक्सी ट्रैक पर टर्न पैड एवं फिलेट का निर्माण व अग्निशमन एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। दवाइयों का भंडारण एवं वितरण बेहतर किए जाने हेतु रुपए 8 करोड़ की लागत से शिवपुर में डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया गया है। कैथी स्थित श्री मार्कंडेय महादेव घाट से संगम घाट तक रुपए 8 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क स्थानीय श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगी। वाराणसी में लगातार बढ़ते पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत नगर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रुपए 7 करोड़ की लागत से यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम के साथ ही टूरिस्ट वेबसाइट के माध्यम से यहां आने वाले पर्यटक ऑनलाइन डिजिटल सेवाओं से लाभान्वित होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में रुपए 6 करोड़ की लागत से निर्मित आवासीय भवनों के निर्माण से मेडिकल स्टाफ को बेहतर आवासीय सुविधा प्राप्त होगी। इन परियोजनाओं के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज वाराणसी में रुपए 6,600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जिनमें जनपद चित्रकूट में रुपए 4,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट का सोलर पार्क एवं मिर्जापुर में रुपए 1,100 करोड़ की न्यू पेट्रोलियम टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। रुपए 920 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोही NH 731B मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, रुपए 280 करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजल योजनाएं, रुपए 120 करोड़ की लागत से BHU के ट्रामा सेंटर में 150 बेड क्षमता के क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। सुगम यातायात के लिए रुपए 112 करोड़ की लागत से 13 सड़कों और अलईपुर तथा नक्खी घाट पर रेल लाइन सबवे के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु रुपए 40 करोड़ की लागत से विशेष माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और रुपए 15 करोड़ की लागत से गंगा के 8 घाटों के पुनर्विकास का कार्य किया जाएगा। रुपए 16 करोड़ की लागत से ITI करौंदी और ITI चौकाघाट में प्रशिक्षण संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने के साथ ही सारनाथ स्थित सारंगनाथ परिसर में पर्यटन के विकास कार्यों से नगर वासियों की स्थानीय आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। नए भारत के निर्माण में वाराणसी का नव निर्माण हो रहा है, जो इसके सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को एक नई आभा प्रदान कर रहा है।